दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट इन न्यूज टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रभात एग्जाम को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इन न्यूज टॉपिक। विकसित की टचलेस टच स्क्रीन प्रौद्योगिकी, इससे लग सकती है संपर्क पर फैलने वाले वायरस पर लगाम। दुनिया में कोरोना संक्रमण ने कई तकनीकों में बदलाव ला दिए हैं। विशेषकर कोशिश यही है कि जिन चीजों को छूने से संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है उसमें परिवर्तन किया जाए। ऐसी ही एक टच स्क्रीन तैयार हो गई है जो 9 सेंटीमीटर की दूरी से अपने आसपास होने वाली गतिविधियों को पकड़ लेगी, यानी बिना टच किए ये स्क्रीन आपके निर्देशों को फॉलो कर लेगी। टचलेस टच स्क्रीन संक्रमण को फैलने से रोकेगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने कम लागत वाला एक टच कम प्रॉक्सिमिटी सेंसर अर्थात स्पर्श सह समीपीय संवेदक विकसित करने के लिए प्रिंटिंग तकनीक के जरिए एक किफायती समाधान प्रदान किया है जिसे टचलेस टच सेंसर कहा जाता है। कोरोना वायरस महामारी ने हमारी जीवन शैली को महामारी परिदृश्यों के अनुकूल बनाने के प्रयासों को तेज कर दिया है। कामकाज के दौरान स्वाभाविक रूप से वायरस फैलने के जोखिम को कम करने के लिए रणनीतियों से प्रेरित हो गया है, खास तौर से सार्वजनिक स्थलों पर जहां सेल्फ सर्विस कियोस्क, एटीएम और वेंडिंग मशीनों पर टच स्क्रीन लगभग अपरिहार्य हो गए हैं। JNCSR के वैज्ञानिकों ने तैयार की हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के स्वायत्त संस्थानों ने नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज यानी CENS तथा जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड एंड साइंटिफिक रिसर्च JNCSR बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने प्रिंटिंग एडेड पैटर्न लगभग 300 माइक्रोन का रेजोल्यूशन पारदर्शी इलेक्ट्रोड के उत्पादन के लिए एक अर्ध स्वचालित उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है जिसमें उन्नत टचलेस स्क्रीन प्रौद्योगिकियों में उपयोग किए जाने की क्षमता है। प्रोफेसर GU कुलकर्णी और सहकर्मियों के नेतृत्व में और CENS में DST नैनो मिशन द्वारा वित्त पोषित टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ये कार्य हाल ही में मटेरियल्स लेटर्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। 9 सेंटीमीटर दूरी से ही पकड़ लेगी गतिविधियां। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष के सिंह ने कहा, हमने एक टच सेंसर बनाया है जो डिवाइस से 9 सेंटीमीटर की दूरी से भी नजदीक या आसपास मंडराने वाली चीजों के स्पर्श को महसूस करती है। शोध पत्र के एक अन्य सहलेखक डॉक्टर इंद्रजीत मंडल ने कहा, हम अन्य स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए उनकी व्यवहारिकता साबित करने के लिए अपने पैटर्न वाले इलेक्ट्रोड का उपयोग करके कुछ और प्रोटोटाइप बना रहे हैं। इन पैटर्न वाले इलेक्ट्रोड को सहयोगी परियोजनाओं का पता लगाने के लिए इच्छुक उद्योगों और R&D प्रयोगशालाओं को अनुरोध के आधार पर उपलब्ध कराया जा सकता है। नए कम लागत पैटर्न वाले पारदर्शी इलेक्ट्रोड में उन्नत स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टचलेस स्क्रीन तथा सेंसर में उपयोग किए जाने की काफी संभावना है। ये टचलेस टच सेंसर तकनीक संपर्क से फैलने वाले वायरस को फैलने से रोकने में मदद कर सकती है। नए कम लागत पैटर्न वाले पारदर्शी इलेक्ट्रोड में उन्नत स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टचलेस स्क्रीन तथा सेंसर में उपयोग किए जाने की काफी संभावना है। ये टचलेस टच सेंसर तकनीक संपर्क से फैलने वाले वायरस को फैलने से रोकने में मदद कर सकती है।